हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करने लगेगी, आपके एक्ने पिंपल पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, अगर आपके रिंकल हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन का जो टेक्स्चर है वो भी इम्प्रूव होगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और यंग लगने लगेगी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। बट गाइस, इस प्रोडक्ट को लगाने का क्या तरीका है सही जिससे आपको ये सब रिज़ल्ट मिलेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और कैसे आपको इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है वरना होंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है डॉट एन की तरफ से रेटिनॉल प्लस सेरेमाइड नाइट रिपेयर क्रीम, जो कि आपकी सारी जो मैंने समस्याएं बताई वो अकेली ये इतनी सी क्रीम दूर कर सकती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे लगाने का तरीका भी होता है और ऐसा इसमें बेसिकली क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस, इसमें रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल गाइस क्या करता है कि रेटिनॉल जो होता है गाइस, ये एक तरीके का साल्ट होता है जो आपकी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने का काम करता है, आपके जो सेल हैं उनको रीजनरेट करता है, और ये एक्सफोलिएट भी होता है, तो यानी कि आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स हैं उनको भी ये हटा देगा। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए कोई भी रेटिनॉल बेस्ड क्रीम यूज़ करना। बट गाइस, मार्केट में वैसे तो बहुत सारी रेटिनॉल बेस्ड क्रीम हैं, बट मैं क्यों इसी प्रोडक्ट को आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसमें जो रेटिनॉल है वो बहुत ही माइल्ड वाला है। तो जो रेटिनॉल बेस्ड क्रीम होती है बेसिकली वो आपको रोज़ नहीं लगानी होती, बट इसे आप रोज़ लगा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी माइल्ड फॉर्म में है। दूसरा, इसमें सेरामाइड है जो कि एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। सो गाइज, अब अगर हम पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग और अवेबिलिटी के बारे में, तो गाइज इसकी जो अवेबिलिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, आपको ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह बहुत ही इजीली मिल जाएगा प्रोडक्ट ये। और बात की जाए इसकी प्राइसिंग की, तो जो मेरे पास आप पैकेजिंग देख रहे हो ये है 15 ml की, जो कि तकरीबन 250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। और गाइज, बात की जाए अगर इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, पोमीग्रेनेट ऑयल है, रेटिनॉल है और सेरेमाइड है, जो कि सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी स्किन को हेल्दी बनाएंगे, कोई भी ऐसा इसमें इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि हमारी स्किन को हार्म करेगा। बट गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट इसे लगाना कैसे होता है गाइज, कि आपको इसे बहुत सारा अमाउंट में नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल बेस्ड जितनी भी क्रीम्स होती हैं उन्हें हमें ज़्यादा अपने फेस पर नहीं लगाना होता है, वरना हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रेडनेस हमारी स्किन पर हो जाएगी। तो हमें बहुत थोड़ा अमाउंट इस क्रीम का लेना है, उसके बाद अच्छे से अपनी स्किन पर लगाना है और थोड़ी देर इसकी अच्छे से मसाज करनी है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, तो बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मैंने बहुत हैवी प्रोडक्ट लगा रखा है और ऊपर ऊपर आपकी स्किन के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एंड फाइनली गाइज, अब आती है मेन बात कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको इस क्रीम को यूज़ करते हुए। तो गाइज, जब भी आप कोई भी रेटिनॉल बेस्ड क्रीम यूज़ करते हो या लोशन यूज़ करते हो या सीरम यूज़ करते हो, तो आपको हमेशा दिन में आपको लगानी होती है सनस्क्रीन, क्योंकि गाइज सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाओगे तो होंगे आपको बहुत ज़बरदस्त वाले साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करोगे, और उसकी वजह से होगा ये कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी और रैशेस आपकी स्किन पर हो जाएंगे और आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती हैं आपके फेस पर। वैसे तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी माइल्ड क्रीम है रेटिनॉल के हिसाब से, बट फिर भी गाइज रेटिनॉल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हुए सनस्क्रीन तो मस्ट ही रहेगी। तो गाइज़, बिल्कुल आपको दिन में सनस्क्रीन को यूज़ करना होगा, रात में आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करो और आपको महीने से दो महीने के अंदर काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको अपनी स्किन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज़, यही थी मेरी छोटी सी वीडियो इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर
आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये रहेगा आपकी स्किन को अच्छा बनाने के लिए। सो गाइज, दिस इज़ इट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।